ये थाईलैंड का स्वेटर है, ये आराम से 2 साल के बच्चे का भी आराम से आएगा। और ये किस तरह बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे नीचे ये हमने इसमें 65 फंदे डाली हैं, यहाँ हमने ये 65 फंदे डाली हैं। एक फंदा उल्टा करा है, एक फंदा सीधा करा है। इस तरह हमने 3 इंच का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बना के यहाँ पे हमने सबसे ऊपर 5 फंदे बढ़ाई हैं। 5 फंदे बढ़ा के ये 70 फंदे हो गई हैं। ये 70 फंदे करने के बाद हम यहाँ इतना एक प्लान का बनाती हैं। ये एक प्लान यहाँ से यहाँ तक कर ले ले, तो ये एक प्लान का स्वेटर बहुत होता है बच्चे के लिए। इतनी से इतना प्लेन करने के बाद एक सिलाई सीधी पूरी, एक सिलाई सीधी बुने, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुने। इस तरह प्लेन सिलाई यहाँ तक करके 2 धारी डालें। ये नीली रंग की ऊन की हमने 2 धारी डाल ली है, फिर पीली डाली है, फिर ये नीली डाली है। इस तरह करके 8 सिलाई प्लेन बुने, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। इस तरह बुनने के बाद यहाँ पे सीधे 2 फंदे घटेंगे। 2 फंदे घटाने के बाद हर एक सिलाई में, सीधी सिलाई में एक फंदा प्लेन बुने। प्लेन बुनने के बाद दूसरा फंदे को घटाते जाएं। एक एक फंदा यहाँ से घटता रहेगा, एक एक फंदा इधर से घटता रहेगा। तो इस तरह ये डिजाइन बन जाता है हाईलैंड स्वेटर के लिए। सबसे ऊपर जो है यहाँ पे हमने 35 फंदे रखी हुई है। ये 35 फंदे गले के लिए बहुत है। ये जान रहे हैं कि यहाँ जो ये रिजन बन रहा है, इसमें एक फंदा प्लेन बुनने के बाद 2 का 1 करें, ये भी रिजन आएगा। इस तरह यहाँ तक बुने, और यहाँ तक बुनने के बाद ये बॉर्डर को सिलाई में ही रहने दें। ये बाजू है, बाजू में हमने 40 फंदे नीचे डाले। 40 फंदे डालने के बाद 3 इंच का बॉर्डर बुने, एक सिलाई उल्टी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह बुनने के बाद 5 फंदे इसमें घटाए बढ़ाए, तो ये 45 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह हमने ये डिजाइन बनाया है। इसमें तो यहाँ से शुरू से सारी सिलाई तो ये आपको नीली बुननी है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए कोने में से 2 फंदे पीले बुने, सीधी सिलाई पूरी सीधी नीली बुने, फिर यहाँ जब सीधी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, तो यहाँ सीधी सिलाई आ जाएगी, तो फिर उसमें 2 फंदे नीले के ले लें। ऐसे 2 फंदे नीले के लेकर के पीले बुना। इस तरह ये एक एक करके फंदे इसमें बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ रही हैं। और यहाँ पर यहाँ तक हो जाए, जब ये वो सबसे ऊपर हमने इसमें 15 फंदे रखी हैं। 15 15 फंदे ये हैं, 15 फंदे यहाँ हैं, और ये हमारे 30 25 फंदे ही हैं। इसी तरह हमने यहाँ पीछे का भी इसी तरह करा है। ये 25 फंदे ली करी है। फिर सबको बॉर्डर बुनने के लिए एक सिलाई में लेना पड़ता है। बॉर्डर कैसे बुनते हैं गले का, ये मैं आपको बताती हूँ। एक सिलाई में पहले एक पल्ला लेंगे, फिर एक बाजू का पल्ला लेंगे, फिर इस वाले पल्ला लेना है, अभी इस बाजू का पल्ला। इस तरह चारों भागों को एक ही सिलाई में ले करके फिर उसका बॉर्डर बनाए। जो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह बॉर्डर को बनाते बनाना। ये कम से कम चारों उंगल का बॉर्डर बनाए। इस तरह ये बॉर्डर बनेगा, ये आसानी से गले में आ जाएगा। यहीं से डबल करें, इसे ढीले हाथ से जब ये 4 उंगल का हो जाए, तो सबसे ऊपर जो है एक एक फंदे को ढीले हाथ से बंद करें।
ये टाइट नहीं होना चाहिए, अगर ये टाइट हो जाएगा तो खिंचाव पड़ेगा, इसलिए इसे ढीला ढीला बंद करें और फिर अंदर को ना मोड़ के इसे ऊपर को लिए ही ऐसी रहने दें। इस तरह ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया है।